बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, और मसाले वाली चिकन बिरयानी बना रहे हैं हम घर के मसालों के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन हमने ली है बोन्स के साथ, जो कि है 1 किलो, और थोड़े बड़े पीसेस में है। अब इस चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। क्योंकि हम चिकन की बिरयानी बनाते हैं तो चिकन अंदर से थोड़ी सी फीकी रह जाती है, इसलिए मैं इसको मैरिनेट करके बनाऊंगी। तो चिकन में सबसे पहले हम डालेंगे नींबू का रस, जो कि है 3 खाने के चम्मचे भर के डाल दिया है हमने। नमक डालेंगे हम इसमें हसबे ज़रूरत, और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चाय का चम्मच। साथ ही हम डालेंगे ज़ीरा साबुत, जो कि जाएगा 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच भर के, रेगुलर रेड चिली पाउडर है ये चला गया। साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जो कि जाएगा 1/2 चाय का चम्मच। अब कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें 1 चाय का चम्मच, और साथ ही अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, और अब हम डालेंगे इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, जो कि जाएगा 1/2 चाय का चम्मच, और इसको हम शामिल कर देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में ये डालने से। और साथ ही अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 चाय का चम्मच। तो ये छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है मैंने, तो काफ़ी ये तेज़ होती हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें दही 2 से 3 खाने के चम्मच भर के डालेंगे, और अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और 1/2 घंटे के लिए तकरीबन इस चिकन को मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तमाम मसालों का। अब इस चिकन को मसालों के साथ अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इसको हम कवर कर देते हैं और साइड में रख देते हैं, तो जब तक कि हम अपना आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 3 कप राइस लिए हैं, जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसको बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए उबलते हुए पानी में हम डालेंगे नमक, और डालेंगे थोड़ा सा तेल, और अब हम इसमें डाल देंगे ये राइस, और इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। 1 कन्नी रहने तक इसको हम बॉयल करेंगे। अब इन चावलों को हमने 1 कन्नी रहने तक बॉयल कर लिया है, इसको हम अब छान लेते हैं। तो छन्नी में छान के हम इसको अलग से बोल में निकाल के रख देंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने 3rd स्टेप की तरफ। तो यहाँ हम डालेंगे 1 डेगची में 1/3 कप ऑयल, और इसी के साथ अब हम डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, ये शामिल कर देंगे, और इसको हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इस प्याज को हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो जब थोड़ी सी ब्राउन होने लगी है, तो इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 3 खाने के चम्मचे, और ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। इसी के साथ हम डालेंगे होल गरम मसाला, जिसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच सौंफ भी मौजूद है, ये हम शामिल कर देते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से भूनना है, और इतना भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर सा चेंज होने लगे लहसुन और अदरक का, और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब ये लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये तीनों चीज़ें अच्छी से भुन चुकी हैं, तो इसमें चिकन डाल रहे हैं हम, और चिकन डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे इन तीनों चीज़ों के साथ, ताकि चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए। अब इस चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लिया है। तो देखें, तेल सा थोड़ा सेपरेट होने लगा है। अब हम इसे स्टेज पे आके डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर, जो कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने काट लिया था, तो इसमें हम शामिल कर देते हैं टमाटर। टमाटर डाल के चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 चिकन क्यूब्स, और ये मैगी वाले क्यूब्स हैं, तो ये हम शामिल कर देते हैं चिकन के अंदर, और इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है बिरयानी का। तो ये हमने शामिल कर दिया। अब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और कवर करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाती। इसको हम कुक करने के लिए छोड़ देते हैं, कवर कर देते हैं। तो 5 से 6 मिनट के बाद इसकी ये पोजीशन हो गई है, इसको मिक्स कर लेते हैं हम। अब इस चिकन को हम मज़ीद कुक करेंगे, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाए, और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये गल भी जाए, और चिकन हमारी टूटे भी नहीं। तो इसको कवर करके पकाते हैं। अब यहाँ पे हमने दही ले लिया है, जो कि 2 खाने के चम्मच हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस, जो कि जाएगा 1 चाय का चम्मच। साथ ही हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, जो कि जाएगा 1/2 चाय का चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सिर्फ केवड़ा एसेंस के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दही लिया है, थोड़ा थिन दही है ये। अब यहाँ हमने 1/2 कप लिया है हरा धनिया, पुदीना, और कुछ हमने लिए हैं आलू बुखारे, और हरी मिर्चें लिए हैं हमने 3 से 4 अदद, जिसको मैंने स्लेट किया हुआ है। 1 मीडियम साइज़ का
टमाटर था जिसको मैंने स्लाइस कर लिया। इसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे चाट मसाला आधा चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम डालेंगे इसको चिकन में। अब चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर ये हम थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ों को इस चिकन के अंदर शामिल कर देते हैं। अब ये तमाम चीज़ें मैंने चिकन में डाल दी हैं। इसको हम एक से दो मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें हमारी थोड़ी सी घुल सी जाएँ। तो ये हमने शामिल कर दिया है और जस्ट मिक्स कर लेते हैं। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है ये तमाम चीज़ें डाल के, और एक से दो मिनट बाद देखेंगे तो इसकी ये शक्ल आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने लेयरिंग की तरफ। तो यहाँ हम तय लगा देते हैं बिरयानी को। सबसे पहले हम डालेंगे चावल और अब हम इसके साथ ही डालेंगे चिकन के पीसेस को। अच्छा, यहाँ मैंने जो ऑयल था, तरी जो थी, वो मैंने अलग से उठा ली है, वो हम बाद में ऊपर से डालेंगे, वरना तो चिकन की बिरयानी का कलर ख़राब हो जाता है। इस तरह हमने ये चिकन डाल दी। अब इसके ऊपर हम दही वाला ये जो मिक्सर था ये डाल देंगे हम रंग का। तो इसी के साथ अब हम डालेंगे फिर चावलों को, और चावल के बाद फिर हम डालेंगे चिकन, और इसी तरह से हम दो से तीन लेयर बना लेंगे। सेकेंड लेयर में इसी तरह से हमने चिकन डाल दी, उसके ऊपर हम थोड़ा सा जर्दे वाला ये दही डाल देंगे, और बोटियों के ऊपर इसलिए डाल रहे हैं ताकि बोटियों में अच्छा सा कलर आए। और इसके ऊपर हम फिर थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया डालेंगे, और साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे ये चावलों की लेयर। अब यहाँ हमने राइस को डाल दिया है, साथ ही हम थोड़ा सा दही वाला मिक्सर डालेंगे जर्दे के रंग का, और साथ ही हम डालेंगे 100 ml पानी ताकि स्टीम अच्छी सी बन जाए इसकी। और अब इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अभी 8 से 10 मिनट बाद हम इसको बिरयानी को चेक कर रहे हैं, तो इसमें दम आ चुका है और ये बिरयानी हमारी रेडी है। इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हुए हम डिश आउट कर लेते हैं। और ये थी हमारी रेसिपी आज की चिकन की बिरयानी की, मसाले वाली, और बहुत ही मज़े की बनती है। वो लोग जो के बिरयानी लवर होते हैं, एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर अच्छी बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं तो बनाएं और शेयर कीजिए इसको, और अगर आप मेरी रेसिपीज़ बनाते हैं तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कॉमेंट के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।